जय हिंद दोस्तों, रश्मि के किचन में आज फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क से हम बहुत सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं, कुल्फ़ी बना सकते हैं और यह बहुत ही आसानी से बन भी जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है, इसे मैं उबालने के लिए रख रही हूँ। इसे गैस पर मध्यम आंच पर रखकर मैं 10 मिनट तक थोड़ा सा इसे गाढ़ा कर लूँगी। दूध को गाढ़ा करते वक्त इसमें चम्मच की सहायता से हिलाते रहे, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। दूध देखिए ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर इसमें 1 कप चीनी डाल दी है, 100 ग्राम चीनी है। आधा लीटर दूध के लिए 100 ग्राम चीनी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो देखिए चीनी डालने के बाद भी इसे अच्छे से चम्मच की सहायता से चलाते रहें और चीनी को पिघला दें। चीनी अच्छे से दूध में मिक्स होने के बाद इसमें हम बेकिंग सोडा मिलाएंगे। ये 1 चुटकी बेकिंग सोडा है, हम इसमें टोटल 2 चुटकी डालेंगे। तो ये मैंने पहले 1 चुटकी सोडा डाल दिया है और सोडा डालते ही ये दूध ऊपर आना शुरू हो जाएगा। देखिए इसको फिर से अच्छे से चला लें। अब इसमें बचा हुआ सोडा डाल देंगे। ये देखिए 1 चुटकी सोडा और लिया है मैंने, टोटल यहाँ पे 2 चुटकी सोडा मैंने डाल दिया और फिर से इसे अच्छे से चला लें। अब ये सोडा डालने के बाद इसे हम 20 से 25 मिनट तक गाढ़ा कर लेंगे, तभी ये क्रीमी बनेगा। ये देखिए देखिए ये बहुत ही अच्छे से क्रीमी और स्मूथ बन गया है और इसका कलर भी बहुत सुंदर आ गया है। अब देखिए इसे चेक करते हैं। ये देखिए ये अच्छे से गाढ़ा भी बन चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले और इसको ठंडा कर ले। अभी आपको बहुत ही पतला लगेगा, लेकिन ये जैसे ही ठंडा हो जाएगा पूरी तरह से, ये अपने आप गाढ़ा बन जाएगा और बहुत ही अच्छे से क्रीमी बनेगा। इसे ठंडा होने के बाद एक बॉटल में भर दे और फ्रिज में रख दे और जब चाहे आपकी मनपसंद मिठाइयाँ बना ले। ठंडा होने के बाद ये देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल बाहर मिलने वाले कंडेंस मिल्क जैसा ही ये सेम टेस्ट देगा और सेम टेक्सचर भी देगा। तो कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताएं और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।